देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वेबसाइट का सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। वार्ड नंबर 12 में खड़ी हुई हूँ यहाँ पे सब्जी मछली मंडी के पास। यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे कभी लगभग 2-3 महीना में सफाई होती है, मगर यहाँ पे जो दवा छिड़काव होना चाहिए वो कभी नहीं होती, इसलिए कि हम काफी लोग दिक्कत होती है, कई इस तरह से बीमारियाँ फैल सकती हैं। तो ये बताइए, यहाँ पे सफाई नहीं होती तो क्या क्या दिक्कत होती है? ये दिक्कत क्या है, तो गंदगी होती है और क्या। तो गंदगी से क्या क्या लोगों और, को और कुछ आप ये तो मैं मालूम नहीं क्या होता क्या नहीं होता, हमसे बीमारी भी फैल सकती है इसी बात। तो क्या जो सफाई कचरा लगा है तो ये कहाँ का लगा है इतना तेज? ये सब दोलन का है, घरन का है, सब क्या। तो क्या यहाँ पे फेंकते नहीं है? यहाँ पे कूड़ा दान नहीं है? कूड़ा दान है, सब चीज है, सब इन लगा के मेल देते हैं। तो कभी आप लोग सफाई कर्मी को बुलाते नहीं है या मेंबर साहब बुलाएगा अपना? अब यहाँ दिक्कत सफाई नहीं होती है तो दिक्कत है, दिक्कत थी मान लीजिए लोग अधिकारी लग जा रहे हैं तो अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, इसलिए सफाई नहीं हो पाते। ये तो सुरक्षा कर्मी वालों का काम है कि साफ करें करें। सफाई नहीं होती तो किस तरह से आप लोगों को दिक्कत होती है, क्या क्या इससे बीमारियां हो सकती हैं? बीमारी यहाँ तो हर प्रकार के आ सकती हैं, बीमारी तो कोई सीमा नहीं है। जब गंदगी रहेगी तो बीमारी रहने रहना है, वो तो जुड़ा हुआ है। मछली मंडी है, यहाँ की जो बस्ती यहाँ नाली है तो सफाई नहीं होती तो क्या क्या दिक्कत होती है? यहाँ सफाई हम बिल्कुल साफ मछली मंडी रखते हैं, कुछ कचरा जो है डाल देते हैं, यहाँ कोई अशुद्ध नाली हमेशा अशुद्ध बनी रहती है। तो क्या खुद करते हैं कि यहाँ पे आते हैं सफाई करने? सफाई कर्मी आते हैं, बहुत देर से आते हैं, समय से नहीं आ पाते। तो आप खुद में करते हैं? खुद में करते हैं भाई, नाली हमारे अंदर में तो है नहीं, जो हमारे अंदर में है वो बिल्कुल आप साफ देखिए, बिल्कुल सुथरा देखिए। तो जब सफाई नहीं होती, गंदगी रहती है, तो इससे क्या क्या बचाव करना चाहिए, किस तरह आप लोगों को दिक्कत होती है? भाई इससे बचाव के लिए नालियां सफाई समय से हों, इसके लिए पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए कि नालियां में जो कीटाणु हों वो नष्ट होते रहे। जो यहाँ पे मछली मंडी है, यहाँ पे कह रहे हैं कि सफाई नहीं होती, काफी दिक्कत होती है, तो आप अपने तरफ से क्या प्रयास करते हैं कि क्यों आप सदस्य हैं? नहीं, पहली बात तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, जब दिक्कत होती है तो फिर नगर पालिका कर्मचारियों को सफाई नायक को कहा जाता है, तो वो आते हैं करवाते हैं खड़े होकर कूड़ा उड़ा, और सफाई की व्यवस्था ठीक चल रही है, इसे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या यहाँ पे हम कई जगह देखे कूड़ादान नहीं, कहीं भी नहीं रखा गया? नहीं, कूड़ादान इसलिए नहीं रखा गया, कहीं हम कई जगह कूड़ादान रखवाए थे तो कूड़ादान में कूड़ा इकट्ठा हो जाता था, तो लोग जब कूड़ा डालते हैं तो दूरी से फेंक देते हैं, वहां तक नहीं जाते, तो कूड़ा सब जगह फैलता था, तो इसलिए कूड़ादान हटवाए गए कई जगहों से। काफी लोगों की मांग है कि नाली में कभी दवा की छिड़काई नहीं होती। नहीं, दवा की छिड़काव तो होती है पर अक्सर ज्यादा नहीं होती है, कभी कभी जब लोग कहे तब होती है, मतलब ऐसे परमानेंट नहीं होती रहती। सर, जो वार्ड नंबर 12 है जानकीपुरी मछली मंडी, वहाँ पे सफाई नहीं होती, काफी लोगों का कहना है सफाई होती है, बगैर तो वहाँ पे जो कूड़ा लगा हुआ है ना, कभी वहाँ पे कूड़ादान रखा गया, तो उसमें आप क्या करेंगे आगे? मैडम, बात यह है कि वहाँ पर कूड़ादान रखने के लिए कोई सार्वजनिक प्लेस नहीं है,
नियमित रूप से सफाई कराते हैं, लेकिन प्लाट जो पड़ा हुआ है किसी प्राइवेट लोगों को प्लाट है, पब्लिक के लोग वहीं बीच में कूड़ा डाल देते हैं, उसकी प्रति जो है सप्ताह में 2 बार सफाई कराई जाती है। बीच बीच ऐसी शिकायतें आ जाती हैं जिनका निस्तारण त्वरित निस्तारण कराते रहते हैं। आप द्वारा बताया गया है, सफाई नायक को निर्देश दे दिए गए हैं, इसके क्रम में लगभग हर दूसरे दिन सफाई उस प्लाट की करा दी जाएगी। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।